चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का पावर चीन में कितना है या इनकी फिल्में सीक्रेट सुपरस्टार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद ही पता चलता है। रिलीज के पहले दिन ही इस फिल्म ने भारत की अन्य फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सीक्रेट सुपरस्टार ने आमिर खान की थ्री इडियट्स, पीके और दंगल फिल्म को भी पछाड़ दिया है। पहले दिन फिल्म ने करीब 44 करोड़ का कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यानी आमिर खान और अभिनेत्री जाया वसीम की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने के बाद अब चीन के भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहा है। चीन के बॉक्स ऑफिस पर चीनी लोगों को आमिर खान का सीक्रेट सुपरस्टार काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। चीन में आमिर खान की फिल्म पीके का लाइफटाइम कलेक्शन करीब 130 करोड़ रुपए रहा था। ऐसे में इस आंकड़े को सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन ही तोड़ दिया है। आखिर तभी तो आमिर खान की फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती है। आपको बता दें कि आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके से तहलका मचाया है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। अब उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सीक्रेट सुपरस्टार चाइना के बॉक्स ऑफिस पर करीब 200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है।